अस्सलाम वालेकुम, जुनैद पति मुखातिब हूँ आपसे। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा 3 जून 1942 को पैदा होने वाले एक शेर दिल जोहर के हवाले से, जिसको दुनिया मोहम्मद कज़ाफ़ी के नाम से जानती है। मोहम्मद कज़ाफ़ी जो कि लीबिया के सदर है। मोहम्मद कज़ाफ़ी जिसके दौर में लीबिया ने दिन दोगुनी रात तरक्की की। मोहम्मद कज़ाफ़ी के दौर में पूरे लीबिया में बिजली, पानी, गैस और सेहत की सहूलतें बिल्कुल फ्री थी। मोहम्मद कज़ाफ़ी के दौर में कोई भी नया कारोबार शुरू करना होता था उसके लिए गवर्नमेंट प्रॉपर सपोर्ट करती थी और किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता था। मोहम्मद कज़ाफ़ी के दौर में अगर कोई नौजवान अपनी तलीम मुकम्मल कर लेता था, जब तक उसको जॉब नहीं मिलती थी, गवर्नमेंट एक मकूल रकम बतौर सैलरी उसको फराहम करती थी। मोहम्मद कज़ाफ़ी के दौर में लीबिया ने बहुत से मनसूबे लगाए जो कि कामयाबी से मुकम्मल किए। मोहम्मद कज़ाफ़ी के दौर में लीबिया में कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसका अपना घर नहीं था, कोई ऐसा खानदान नहीं था जिसके सर पर छत नहीं थी। मोहम्मद कज़ाफ़ी के दौर में हर किसी को खाने की सहूलत मैसर थी, कोई भूखा नहीं सोता था। मोहम्मद कज़ाफ़ी के दौर में लीबिया ने हर तरह से बहुत तरक्की की। मोहम्मद कज़ाफ़ी ने एक ऐसा मीठे पानी का मनसूबा लगवाया जो कि अपनी तर्ज का एक अनोखा मनसूबा था, जिससे अगर कहा जाए तो एक 8वां अजूबा था। अंडरग्राउंड मीठे पानी का दुनिया का सबसे बड़ा मनसूबा था, जिससे पूरे लीबिया को पानी सप्लाई किया जाता है और वो अगले 1000 साल तक वो जखीरा महफूज रहेगा और पूरे लीबिया को पानी सप्लाई करता रहेगा। मोहम्मद कज़ाफ़ी के दौर में मोहम्मद कज़ाफ़ी ने बहुत कोशिश की मुसलमानों को कतल करने की। मोहम्मद कज़ाफ़ी के दौर में उसने मुस्लिम मिलाप बनाकर अपनी करेंसी में ट्रेड करने की ऑफर। मोहम्मद कज़ाफ़ी के दौर में लीबिया खुशहाल था और दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामजन था। कि क्या वजूहत था कि मोहम्मद कज़ाफ़ी को हटाया गया और उसको बेदर्दी से कतल किया गया, इस सब के पीछे किसका हाथ था? आइए इस पर रोशनी डालते हैं। मोहम्मद कज़ाफ़ी को कतल करने की 3 बड़ी वजूहत थी। सबसे पहली वजूहत लीबिया में पेट्रोल के ज़खायर, दूसरी वजूहत जो कि मुसलमान को इकट्ठा करना और मुस्लिम दुनिया का एक ब्लॉक बनाना। मोहम्मद कज़ाफ़ी ने एक वक्त पे कहा था कि अब वो वक्त आ गया है, हम सब मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए, अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे, जो आप मर्जी से इसका मुकाबला नहीं करेंगे, तो वो वक्त दूर नहीं जब बारी बारी सब मुस्लिम ममालिक का अराग और फलस्तीन जैसा हाल होगा। मोहम्मद कज़ाफ़ी इस मामले में बहुत सीरियस थे और इस बात को लेकर आगे चल रहे थे। मोहम्मद कज़ाफ़ी चाहते थे कि डॉलर में पेट्रोलियम को ना बेचा जाए, सब मुसलमान वाले इकट्ठे हों और ये अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करें। मोहम्मद कज़ाफ़ी ये चाहते थे कि मुसलमान भी तरक्की करें, लेकिन कुफार को कैसे वो शख्स पसंद आता, कुफार उसको कैसे रहने देते। उन्होंने मनसूबा बनाया मोहम्मद कज़ाफ़ी को हटाने के लिए। लीबिया में मुख्तलिफ तरह के मजारे कराने शुरू कर दिए। अमेरिका ने मोहम्मद कज़ाफ़ी को CIA की मदद से लीबिया के कुछ भाइयों के थ्रू कत्ल करवा दिया। इस तरह हुआ कि मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब एक दफ़ा एक शहर से दूसरे शहर अपने तकरीबन 80 भाइयों के काफिले के साथ जा रहे थे। अमेरिका ने ड्रोन के थ्रू उनके काफिले के मुतद गाड़ियों को तबाह कर दिया। मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब अपनी जान बचाने के लिए एक पानी की पाइपलाइन उसमें जाकर छुप गए और काफ़ी दिन उधर वो मौजूद रहे। जब बागियों को उनकी जगह का मालूम हो गया तो बागियों ने उनको उधर से बाहर निकाल कर बड़ी बेतरतीब से कत्ल किया। जब मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब को कत्ल किया जा रहा था, मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब उन बागियों से मुखातिब हुए और उनसे कहा, मेरे बच्चों आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप दुश्मन के बहकावे में आके वो कर रहे हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं। एक दफ़ा मोहम्मद कज़ाफ़ी ने इससे पहले भी अपने लोगों से मुखातिब होकर कहा था कि आप लोग तब तक खुशहाल है जब तक मैं चला जाऊँगा, आज भी खुशहाली मैं लेके जाऊँगा। फिर दुनिया ने देखा उनके के अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। जैसे मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब को कत्ल कर दिया गया, उसके बाद लीबिया 300 में बट गया। एक ही साथ अमेरिका के जरिए निगरानी आ गया, उधर उनकी गवर्नमेंट बन गई। एक ही साथ लीबिया की फौज के पास चला गया जिसमें पेट्रोल के ज़खायर मौजूद है। एक ही साथ वो वैसे आज़ाद हो गया जो कि अब बहुत बुरे हालात में है। लीबिया के इन हालात की जिम्मेदार जितनी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका है, उतनी ही उनकी अपनी एस्टेब्लिशमेंट और उधर के बागी हैं जिन्होंने मोहम्मद कज़ाफ़ी के साथ बहुत ही घिनौना प्लान बनाया और उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये एक मुस्लिम उम्मा का सच्चा लीडर था जिसने मुस्लिम उम्मा को खड़ा करने की कोशिश की और मुस्लिम करेंसी को लॉन्च करने की कोशिश की, अमेरिका को आंखें दिखाई और मुसलमानों के लिए अच्छे इकदाम करने की।
अमेरिका ने उतनी ही बुरी तरह उसको कुचल दिया, जबकि मुसलमान ममालिक जो के उनके साथ खड़े होने को पहले तैयार थे, जब उन्होंने उनके हालात देखे तो उससे पीछे हट के ना सिर्फ पीछे हट के उनके लिए आवाज़ भी नहीं उठाई। इस तरह उनके कहे के मुताबिक आज आप लोग देख लें कि मुस्लिम दुनिया की क्या हालात है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट एक एक करके हर जगह अपने मोड़े लॉन्च कर रही है और मुस्लिम ममालिक को तबाह करने की तरफ लगी है। हम मुसलमान